हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। और अचानक से मौसम बदल गया है, जैसे दो चार दिन से, मतलब पाँच छः दिन से बहुत गर्म हो रहा था, अभी अचानक से देखो वो भयंकर भयंकर तरीके से आसमान काले काले हो गए हैं, हवा भी चल रही है मस्त, बारिश होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर आंधी तूफान तो चल ही रहा है, तो ठंडी हवा चलने लग गई है। बारिश हो जाए भगवान, तेज बारिश आ गई, वाह झमाझम बारिश बारिश, वाह बनी है ये, ओ वाह कुर्ती कितनी भयंकर बारिश हो रही है। आज हम नीचे कूलर लेकर आए, ऊपर रहता था हमारा कूलर, जितनी तेज बारिश आने लग गई, माय गॉड एकदम स्वाड़ा आ रहा है भाई ना, ये बारिश के खाना याद आ रहा है, बारिश की छींटे आ रहे मेरे ऊपर, अरे दिन भी वो काला काला आसमान हो गया। और पाँच छः दिन के बाद इतनी तेज बारिश अचानक से आई है, अरे नहीं बारिश के देखने के चक्कर, अच्छा मैं चिल रही हूँ, रो नहीं रो नहीं रो नहीं, मम्मा विल हेल्प यू, ये लो जाओ। और देखो एकदम अंधेरा हो गया है, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, देहरादून की भाषा में बोले भयंकर। और आज ही मेरी सास लोग आ गए हैं गांव से, और वो जैसे कि गांव से आते हैं तो खाली हाथ आते नहीं है, तो कुछ ना कुछ लाते हैं, और मेरे बाल देखिए कैसे हो रहे हैं घोंसला, तो बालों को छोड़ते हुए आगे बात करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, और जब गांव से कुछ चीज़ आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, गाँव की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सास क्या क्या लेकर आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले टैन 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 पहचानी है क्या है ये, जी हाँ जो उत्तराखंड से बाहर के हैं वो लोग सोचेंगे ये रूह अफ़ज़ा है, पर मैं आपको बता ये रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये है बुरांस। हमारे यहाँ फूल होता है एक पेड़ पे लगता है ना रेड कलर का फूल, तो ये उसी से बनता है, जैसे रूह अफ़ज़ा होता है कुछ कुछ उसी की तरह होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो ये उन्होंने ना ख़रीदा है वहाँ पे रास्ते में जो गांव वाले बेचते हैं वहाँ से। और ये कटहल का अचार लाए हैं, ख़रीदा है मतलब इन्होंने, और ये लहसुन का अचार, और यहाँ पे जामुन, जामुन खा जा रहे कितने लाल हैं, और यहाँ पे केला, और यहाँ पे फ्रूट्स कि कोटद्वार के रास्ते आए वो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है सामान। और ये बच्चों के लिए मुरमुरे खील बोलते हैं वो है, ये असली असली माल ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये है झुंगरू जिसकी मैंने एक बार झुंगरू और कड़ी बनाई थी, मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ, जो जिनको पता नहीं है मतलब जो उत्तराखंड से बाहर के हैं, तो ये इस टाइप से होता है, बहुत ही अच्छा था, चावल की तरह होता है, तो छोटा छोटा होता है, बहुत हेल्दी होता है। ये है ये कुटरा प्याज का, और इसके अंदर है कोदे का आटा यानी कि मंडुआ का आटा यानी कि रागी नाचनी जो भी बोल लीजिए, ये है कोदे का आटा जिसको आजकल बहुत ही ट्रेंड है, फैशन में है, लोग डाइटिंग के पर्पज़ से यूज़ करते हैं इसको, खा के बोलते हैं पतले हो जाते हैं, तो ये हमारे गांव में बहुत पाया जाता था जिसकी वैल्यू नहीं थी, तो आज बाहर के जो लोग हैं वो पैसे में बहुत ही महंगा ख़रीदते हैं। ये है वो कोदे का आटा जो हमारे यहाँ बहुत ही तादाद में पाया जाता है मात्रा में, और ये हैं चावल के कुटरे जो पहाड़ी चावल होते हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब ना गांव से सामान आता है,
और किसको अच्छा नहीं लगेगा गांव की याद, गांव का एकदम ऑर्गेनिक सामान। क्यों? और ये देखिए प्याज। मेरी सास जो वो अपने मायके गई थी तो वहाँ पे किसी काम से, तो इस वजह से तो यहाँ आती हूँ। और ये है लहसुन की गट्ठी और ये प्याज। और भी सामान है जो कि फ्रिज में रख दिया है ख़राब ना, बस यही है क्योंकि इतना ही ला सकते थे और बहुत है। बहुत खुशी होती है जब गांव से मिलता है। और आज मौसम बहुत भयंकर है, दिखाती हूँ खिड़की खोलती है, देखिए हवा आ रही है मस्त। बस ये देखिए किचन की खिड़की से व्यू, बारिश पानी, अरे टपक जा रहे बूंद भी टपक रही नहीं चले रही मेरी पेस्टी कराते आई, टपक 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 टपक, लगता है आज नहीं टपकेगी। अरे देखो हमारे मनी प्लांट भी हिल रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा क्या मस्त हवा चल रही है। शाम का टाइम हो गया है, लगभग 4 बज गए हैं और कुकू महाशय ने अपनी नींद पूरी कर ली है, तो अभी हम टेस्ट करेंगे जामुन। और जो कटहल का अचार था बहुत ही टेस्टी था। और जब भी आप गांव जाते हैं तो ऐसे जो बेचने वाले होते हैं ना उनसे ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि ये ना स्वरोजगार होता है, मीन्स जो गांव के लोग होते हैं ना उनके लिए रोज़गार, जिससे कि ना पलायन नहीं होगा हमारे गांव में, क्योंकि अगर गांव में ही लोगों को इनकम का सोर्स हो जाएगा तो लोग बाहर क्यों आए। और हमारे पहाड़ों में बहुत ही पलायन हो रहा है इस कारणवश, क्योंकि रोज़गार ही नहीं है इस वजह से। मैं कुछ ज़्यादा ही कभी कभी ना ज़्यादा बोल देती हूँ, आई होप अगर आपको समझ में आता हो, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आप बोर हो जाते हैं या कुछ भी। अगर मेरे वीडियो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो बस ये रहे जामुन, इनको मैं ना काला नमक डाल के खाएंगे। मैं एक टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको, मीठा है मतलब थोड़ा तो खट्टा होता है पर। और ये क्या है फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड के हैं और जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं हिमाचल वगैरह से, तो उनको पता है ये क्या है। तो और जो उत्तराखंड के नहीं हैं तो उनको बता दूं कि ये एक सब्जी है पहाड़ी की, जंगल में पाई जाती है और कितनी खतरनाक है, मुझे तो घिन आती है। ऐसे दिखने में बहुत डरावने सांप की तरह है ना, पर फ्रेंड्स आपको बता दूं ये जो सब्जी इसकी बनती है इसको ना लिंगोड़ा बोलते हैं। तो ये है बहुत ही बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लिंगड़ा की सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी होती है और जंगलों में मिलती है, जब बारिश होती है उसी टाइम ज़्यादातर पाई जाती है। तो ये जो इसकी डंठी है ना, डंठल, इसको छिलना है मतलब साफ़ करके या बॉईल करके फिर इसको छौंका लगाना है, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये दिखने में बहुत ख़तरनाक लग रही है, डरावनी डरावनी सी, थोड़ी सी बासी हो गई है क्योंकि ना इसको 2-3 दिन हो गए तो, पर फिर भी अभी इसकी कंडीशन ठीक है तो हम आज ही इसको बना देंगे रात के खाने में, ख़राब ना हो। इन लहसुन और इन खतरनाक लिंगड़ा की जो सब्जी है, भुज्जी भी बोलते हैं, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो इसकी लिंगड़ा की सब्जी है मैं आपको बताऊँगी, मतलब जो उत्तराखंड से मैं बार बार यही बोलती हूँ उनको तो पता है कैसे बनती है, तो मैं क्या फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो देखते हैं, मैंने बहुत पहले बनाई थी तो सेकेंड टाइम ही लगा लीजिए, तो मुझे याद भी नहीं है। तो देखते हैं कैसे बनती है और इन खतरनाक लिंगड़ों के साथ सब लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।